क्या आप कमजोरी थकान से परेशान हो? आपका वजन नहीं बढ़ रहा है? दुबले और पतलापन का कारण समाज में शर्मिंदगी महसूस हो रहा है? रोक टोक से परेशान हो गया है? तो इस वीडियो का लास्ट तक जरूर देखना। आपका जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरंजन कुंडू, आपका हमसफर और फार्मासिस्ट। आज एक ऐसा कैप्सूल का बारे में बताएंगे जो आयुर्वेदिक होने का साथ साथ भी बहुत जल्दी जल्दी इसका असर दिखाता है। नाम है पौरुष जीवन कैप्सूल। जैसे आप नाम से ही जान चुके हैं, ये बहुत पावरफुल कैप्सूल है जिसका असर बहुत जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। ये केवल आपका पाचन शक्ति नहीं है, आपका शारीरिक जो गतिविधि है उसको भी मजबूत बना देते हैं। इसका क्या फायदा है, कैसे खाना है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसका सावधानी क्या कर रहना चाहिए, क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, ये सारी चीज बताएंगे। और लास्ट में आपका जो जरूरी क्वेश्चन है इसका भी हम इसी वीडियो में जवाब देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका इंग्रेडिएंट्स का बारे में। इसमें शतावरी, मुलेठी, अश्वगंधा, अर्जुन, शिलाजीत, केवांच, हरितकी, आंवला, ऐसे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स से इसमें भरपूर है। हरितकी, आंवला होने के कारण आपको जो भी आप खाना खाते हो उसको तुरंत हजम करवा देते हैं, शरीर में जैसे कहते हैं ना लग जाता है, इसलिए आप खाना पचने के बाद आपको शरीर भी अच्छा हो जाता है, आपको भूख लगने लग जाता है और ओजोन बढ़ जाता है। इसको खाने के बाद आपको तुरंत हर महीना आपको ओजोन बढ़ने को मिल जाएगा। इसमें शतावरी है, अश्वगंधा है, जो कि आपका मानसिक शक्ति को भी तंदुरुस्त बना देते हैं। शिलाजीत होने का कारण आपका जो भी कमी है, पौरुष जातियों कमी है, उसको आप पूरा कर देते हैं। अर्जुन इसमें है, अर्जुन जो है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को अच्छा कर देते हैं। तो ये टोटल एक अच्छा औषधि माना जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं क्या डोज है, क्या खाना चाहिए, कितना दिन खाना चाहिए। देखिए, ये डॉक्टर का देखरेख में पूरा लेना चाहिए, फिर भी हम आपका जानकारी के लिए बता देते हैं। जो पौरुष जीवन कैप्सूल है ये आपको 6 से 8 हफ्ता तक खाना चाहिए, लगातार नहीं खाना चाहिए। कई बेकूफी करके साल भर खा लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। 6 से 8 हफ्ता खाइए, वो भी एक कैप्सूल खाइए रोजाना। अगर बहुत इमरजेंसी हो जाए एक सुबह एक शाम को, ये खाली पेट में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये ध्यान रहे, ये खाली पेट में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये नॉर्मली दूध का साथ या गुनगुना पानी का साथ कुछ खाने का बाद लेना चाहिए, नहीं तो आपका पेट में गैस बन जाएगा। कई लोग शिकायत करते हैं पेट में गैस बन जाता है, इसलिए उनको पेट में गैस बन जाता है जो खाली पेट में ले लेते हैं, और वो खाने के बाद कई कई पिंपल्स भी हो जाते हैं। लेकिन इसको बचने के लिए आपको लंबा टाइम तक नहीं लेना है, 6 से 8 हफ्ता तक लेना है। उसके बाद कुछ दिन के लिए 1-2 हफ्ता गैप दे देना है, उसके बाद चाहे ले सकते हो, उसके बाद आप 2 ना लेके रेगुलर 1 ही लेना चाहिए और धीरे धीरे उसको बंद करना चाहिए। बंद करने के बाद आपको लिवर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसके बाद आप लिप 52 का सिरप या टैबलेट आप ले सकते हो। अगर वो लिप 52 सिरप या टैबलेट कैसे लेना है इसके बारे में जानकारी चाहते हो तो प्लीज ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। अभी हम आपको बता रहे इसका फायदा या बेनिफिट्स। एक तो है, इसको खाने के बाद आपको कमजोरी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। जो लोग खाना खाने से थोड़ा परेशान है, जो भी खाना खाते हो ऐसा लगता है जो खाने का दिल नहीं करता, एक कैप्सूल लेने के बाद उसको धीरे धीरे खाना खाने का इच्छा जागृत हो जाता है, इसलिए वो खाना खाने लग जाता है, भूख भी लग जाता है, भूख का एहसास भी हो जाता है, और जो भी खाना खाते उसको हजम कर लेते हैं। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए उसको ऐसा लगता है जो उसको ओजोन बढ़ जाता है, तो ओजोन बढ़ने में भी ये मददगार होता है। और ये खाने के बाद उसको शरीर बेस अच्छा हो जाता है, उसको ऐसा लगता है स्किन बहुत अच्छा ग्लो कर गया है, उसको खूबसूरती में भी थोड़ा चार चांद लग जाता है। तो इसमें भी स्किन में भी फायदा होता है, बालों में भी फायदा होता है, लिवर फंक्शन अच्छा हो जाता है, उसको नींद भी अच्छा आने लग जाता है, ये भी बहुत बड़ा चीज है, उसको नींद भी अच्छा आने लग जाता है। उसको अगर कोई टेंशन या तनाव रहता है वो भी वो तनाव या टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि उसको नींद अच्छा आ जाता है, ये चीज बहुत फायदामंद है। अभी आयुर्वेदिक दवाई है लेकिन फिर भी इसका कुछ साइड इफेक्ट्स है, तो साइड इफेक्ट बहुत ही कम है, मामूली है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं आप इसको ध्यान दीजिए। ये सबसे पहले जो साइड इफेक्ट होता है, किसी किसी को गैस बन जाता है,
अपोच हो जाता है, पेट फूला फूला लग सकता है, या किसी को फेस में पिंपल्स आ जाता है, तो ये क्यों आता है? देखिए, ये अगर आप लगातार ले रहे हो, लगातार ले रहे हो 4 महीना 6 महीना 8 महीना, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, और 2 कैप्सूल ले लिया एक साथ में, 3 कैप्सूल ले लिया, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप सुबह 1 और शाम को 1 कैप्सूल लेते हो, वो भी खाने का बाद, वो भी दूध का साथ, तो अपच का प्रॉब्लम नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पेट भारी भारी भी नहीं लगेगा। और दूसरी बात है, 6 से 8 हफ्ता लेने के बाद आप 1-2 हफ्ता के लिए उसको बंद कीजिए, फिर चाहे दोबारा चालू कीजिए। जब आप दोबारा चालू करोगे तो आप 1 ही कैप्सूल लेना है। आपको ऐसा लग सकता है कि हम खाना नहीं कम खा रहे पहले के तुलना में, कोई बात नहीं, इसमें आपको क्या करना है, खाना खाने का इच्छा हो या ना हो, जैसे आप पहले खा रहे थे ऐसा आप टाइम टू टाइम खाते रहिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो आप फेस में पिंपल्स हो जाता है वो ज्यादा खाने का कारण होता है, तो जब आप डोज थोड़ा सा कम कर देंगे तो पिंपल्स आना व पिंपल एकदम ठीक हो जाएगा, लैट्रिन साफ हो जाएगा, लिवर फंक्शन अच्छा हो जाएगा, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप लिवर फंक्शन को ठीक करने के लिए थोड़ा साइड में LIP-52 सिरप व टैबलेट भी ले सकते हो, ये हमने पहले भी बता चुके हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ सावधानियां, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बता दें, ये 18 साल का या उससे कम बच्चे का ये खाना निषेध है। अगर फिर भी कुछ कंडीशन में इसको खाना ही पड़े तो डॉक्टर का सलाह के बिना नहीं खाना चाहिए, उसका देखरेख में होना चाहिए, डॉक्टर से प्लीज कंसल्ट करें इस मामले में। दूसरी बात, इसको लगातार नहीं खाना चाहिए, 6 से 8 हफ्ता तक आप इस कैप्सूल को रोजाना कुछ खाने का बाद, खास करके दूध या कुछ खाने का बाद ले, खाली पेट पे तो बिल्कुल ही मत ले। और 6 से 8 हफ्ता खाने के बाद आप 1 या 2 हफ्ते के लिए उसको बंद करें, खाना आप जैसे खा रहे थे ऐसे टाइम टू टाइम खाते रहे। तो और जो तीसरी बात है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है इसके लिए ये नहीं दिया जाता है, अगर विशेष केस में देने पड़ता है तो आप अपना डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ये सब चीज आप अगर मेंटेन करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी कुछ क्वेश्चंस जो पब्लिक से आता है, स्पेशल क्वेश्चन, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या पौरुष जीवन कैप्सूल खाने के बाद इसका कैप्सूल खाने का लत लग जाते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होता, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, इसका लत नहीं लगता। आप बीच बीच में आप गैप दे सकते हो, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। क्या ये खाने के बाद हम ड्राइविंग कर सकते हैं? हाँ, ये खाने के बाद आप ड्राइविंग या कोई भारी मशीनरी का काम भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा 1 घंटा आप आराम कर ले, उसके बाद आप चाहे काम पे लग जाए। क्या पौरुष जीवन खाली पेट में लिया जा सकता है? नहीं, ये खाली पेट में नहीं लिया जाता है, कुछ खाने के बाद स्पेशली दूध का साथ या खाने के बाद ये लिया जाता है। क्या पौरुष जीवन कैप्सूल तोड़ के खाया जा सकता है? नहीं, इसको तोड़ के भी नहीं खाया जा सकता, इसको चबा के भी नहीं खाया जा सकता, इसको दूध या पानी के साथ निकाल लेना चाहिए। पौरुष जीवन कैप्सूल का क्या रेट है? इसका MRP है सिर्फ वर्तमान में ₹37, 10 कैप्सूल का, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर का देखरेख में करना। आशा करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारा और एक चैनल है हेल्थ रिलेटेड, नाम है हेल्दी माइसेल्फ, प्लीज आप उस चैनल में जाए और वीडियो देखे और लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड नॉलेज पाए और फिट और हेल्दी रहे। एजिथ्रोमाइसिन के बारे में जानना चाहते हो, गले में प्रॉब्लम है, तो वो लोग जरूर ये वाला वीडियो देख लीजिए। अगर इससे भी उसको ज्यादा आराम नहीं मिल रहा है, गले में अभी भी खरस है, बात करने में प्रॉब्लम होता है, तो बीटाडीन गार्गल का बहुत जरूरत है, तो आप प्लीज ये वाला वीडियो